मुरादाबाद जिला कारागार का जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिला जज ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने महिला और पुरुष बैरक में जाकर व्यवस्थाएं देखी और कैदियों की समस्याएं सुनी। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल और जिला जज के साथ जेल का हर माह होने वाले विधिवत निरीक्षण किया है। तीनों अधिकारियों ने जेल के अस्पताल से लेकर महिला और सामान्य बैरक देखी, साथ ही वहां मौजूद बंदियों की समस्याओं को भी सुना। कुछ कैदियों ने बताया कि उनके पास अधिवक्ता नहीं है। इस पर डीएम ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल से अधिवक्ता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, साथ ही ऐसे बंदियों की सूची तैयार करने का जेल प्रशासन को निर्देश दिया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान जेल की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने महिला बंदियों के बच्चों के लिए जेल में बनाए गए चिल्ड्रन पार्क के लिए कारागार प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कैदी हैं मगर वह अपनी जगह हैं, हमें मानवीय पहलू को नहीं भूलना चाहिए। वहीं जेल में ओवर क्राउडिंग की समस्या पर डीएम ने कहा कि नई जेल के लिए स्थान का चयन हो चुका है, इसलिए इस जेल में अब ज्यादा निर्माण नहीं कराया जा सकता। 2-3 साल में जिला कारागार नई जगह शिफ्ट हो जाएगी। वहां पर काफी जगह खरीदी गई है और नई जेल के लिए एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है, जहां बंदियों के सोने के लिए स्लैब की व्यवस्था सभी बैरकों में कराई जाएगी। नई जेल बनने तक जिला कारागार में जो अंतरिम व्यवस्थाएं हैं उन्हें धीरे धीरे करा रहे हैं। देखिए, जेल का क्वार्टरली इंस्पेक्शन होता है, जिसमें जनपद न्यायाधीश महोदय, एसएसपी साहब और मैं तीनों लोग रहते हैं। तो आज जेल का विधिवत निरीक्षण किया गया और जेल के हॉस्पिटल से लेकर के महिला बैरक और सामान्य बैरक सभी में इंस्पेक्शन किया गया और कैदियों की समस्याओं को जानने के प्रयास किए गए। कुछ कैदियों द्वारा ये बात सामने लाई गई कि उनके पास अधिवक्ता नहीं है, तो उसमें ये कहा गया कि जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल है उसके माध्यम से उनको हम सरकारी वकील दिलाएंगे। ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार कराई जा रही है। बाकी ओवरऑल जेल की व्यवस्थाएं ठीक पाई गई। ये रूटीन चेकअप था, यूपी की पहली जेल मुरादाबाद बनी है जहां पर चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था की गई आपने। जी जी, नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए जेल प्रशासन के लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हमें कैदी हैं और अपनी जगह है, लेकिन एक मानवीय जो पहलू होता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मानवीय पहलू को इन लोगों ने ध्यान रखा है, इसके लिए जेल प्रशासन के लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी एक नए स्थान का चयन हो चुका है, लैंड की व्यवस्था भी हो गई है, एस्टिमेट बन रहा है। चूँकि जेल यहाँ से शिफ्ट होनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य यहाँ कराना इस समय संभव नहीं है, चूँकि अगले 2-3 सालों में यहाँ से शिफ्टिंग होनी है और शहर से बाहर और काफ़ी स्पेसियस बनाया जा रहा है। लेकिन तब तक के लिए जो अंतरिम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो व्यवस्थाएं हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। स्लैब बनाए गए सर? जी जी, निश्चित रूप से कैदियों की संख्या चूंकि ज़्यादा है निर्धारित क्षमता से, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्था की गई है।